Hello kids, a very warm welcome to all of you. Your Vansika ma'am is back again with an interesting chapter for you all. So, aaj ma'am aapke liye lekar aayi hain EVS ka chapter number 18. Aur ye hai chapter seasons ke upar. To season kya hota hai? Mausam. To season kitne tarike ke hote hain? Kya hota hai? Wo hum sab padhenge. Bahut interesting chapter hai. Aapne work complete kar liya tha? Pakka? Very good. Chalo. There are mainly three season in India. Main जो होते हैं important वो three season होते हैं. तीन तरीके के मौसम होते हैं. कौन कौन से? Summer season, winter season and rainy season. कौन कौन से? Summer season, winter season, rainy season. Summer season होता है जो चल रहा है अभी, गर्मियों का time. Then comes winter season, ठंड का time. Then comes rainy season, बारिशों का टाइम. आपको कोई बारिश का भी मौसम होता है? यस, बीच में कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं जिसमें लगातार बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो मौसम कौन से? सीजन्स कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स के. समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन. ठीक है, तो समर सीजन क्या होता है? अभी मैम ने आपको बताया, इट इज़ द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. पूरे साल का जो गर्म वाला, जब बहुत गर्मी लगती है, वो होता है समर सीजन. उसमें क्या करते हैं? उसमें हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, लाइक मैम ने पहने हुए हैं. इसमें वी इंजॉय ईटिंग आइसक्रीम, जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं. वी टेक अ बाथ इन पूल, जिसमें हमें नहाना बहुत पसंद होता है. हम गर्मियों में सोचते हैं हम 3 to 4 टाइम्स डेली नहाएं, पूल में स्विमिंग करें, हमें बहुत अच्छा लगता है. वी सिट अंडर द फैन, और जहाँ फैन चल रहा होता है हम उसके नीचे बैठ जाते हैं, अदरवाइज हम एसी में इंजॉय करते हैं, है ना. चलो, नेक्स्ट सीजन इज विंटर सीजन. विंटर सीजन में क्या होता है? इट इज द कोल्डेस्ट सीजन, जिसमें बहुत ठंड होती है. बहुत कोल्डेस्ट सीजन होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ठंड होती है, वो मंथ्स वाले. वी वेयर वुलन क्लोथ, जिसमें हम ठंड वाले कपड़े पहनते हैं, फुल स्लीव्स वाले, एंड हम हैट पहनते हैं, मफलर लेते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं. वो वाला कौन सा सीजन होता है? ठंडा वाला सीजन, एंड उसे क्या कहते हैं? विंटर सीजन. नेक्स्ट इज वी सिट अराउंड फायर, जिसमें हम बीच में फायर जलाते हैं, एंड सब फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फैमिलीज बैठ के वहाँ पे आसपास बैठते हैं, अंतराक्षरी खेलते हैं, इंजॉय भी करते हैं ना. हम फायर के आसपास बैठते हैं, उससे क्या होता है? हम वार्मनेस मिलती है, हमें वार्म लगता है, यानी कि गर्म गर्म फील होता है. देन इज वी प्ले इन द सन, और जब आफ्टरनून में जैसे ही धूप निकलती है, जैसे ही सन आता है, हम सन की रेज में जाके खेलते हैं. जहाँ पे सन की रोशनी पड़ रही होती है, रोशनी तो सब जगह होती है, लाइक जहाँ हमें धूप पड़ रही होती है हम वहाँ पे जाके खेलते हैं, ताकि हमें ठंड ना लगे. नेक्स्ट इज स्नो फॉल्स ऑन हिल्स, और पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि बहुत ठंड होती है ना, तो स्नोफॉल्स होती हैं हिल्स पर. नेक्स्ट पेज पे आएंगे, इट रेन्स अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेन होती है. वी कैरी अम्ब्रेला एंड वेयर रेन कोट इन दिस सीजन, इस सीजन में क्या होता है? हम अपने पास हमेशा अम्ब्रेला रखते हैं और रेनकोट पहन के रखते हैं, जिससे हमें ठंडा लगे. मतलब रेनकोट पहनोगे तो ठंड भी नहीं लगेगी, मतलब बारिश जब होती है, रेन जब होती है, ठंड भी तो लगती है ना, और फिर हम गीले भी नहीं होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं? रेनकोट पहन लेते हैं और अम्ब्रेला ले सकते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, वो हमें गीला होने से बचाते हैं. ठीक है, तो सीजन कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के. रेनी सीजन, समर सीजन एंड विंटर सीजन. क्लियर? तो चैप्टर हुआ क्लियर? एक और टास्क दे. अच्छा चलो ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट मैच, ये आपको सब बुक में करना है. मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगी, फिर भी हम कुछ कुछ डिस्कस करते हैं. वी वेयर डैश क्लोथ इन समर सीजन, कौन से तरह के कपड़े हम समर सीजन में पहनते हैं? पहले बताओ समर सीजन कौन सा होता है? गर्मियों वाला सीजन. तो समर सीजन में हम कौन से पहनते हैं? कॉटन क्लोथ. तो आप यहाँ लिखेंगे कॉटन. डैश इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, कोल्डेस्ट सीजन, ठंडा सीजन कौन सा होता है? विंटर सीजन. इट डैश अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होती है? बहुत ज्यादा बारिश, मींस रेन. एंड डैश प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, क्या चीज हमें गीला होने से बचाती है? अम्ब्रेला.
ठीक है, नाउ चूज एंड अंडरलाइन करना है. देर आर मेनली डैश सीजन्स इन इंडिया. कितने सीजन्स होते हैं? 3 या 4. काउंट करो और जल्दी से सर्कल करो. ठीक है, तो इसी तरीके से आप मैच करेंगे एंड ये चैप्टर आप कंप्लीट करोगे. देन नेक्स्ट पेज पे क्या है, यहाँ पे ड्रेसेस बनी हुई है, इनका आधा आधा नेम लिखा हुआ है. आपको कुछ लेटर्स फिल करना है एंड आपको ये नेम्स कंप्लीट करने हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय. थैंक यू.